अच्छा, ये में लगता है चार्ज 50 रुपया। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बोल रहे हो, कैमरा में बोलो, क्या ट्रेन कहाँ? चल चल चल, चल, चल देखते हैं लोग लोग स्टेशन में किस तरह रहते हैं। यहाँ से आपको बाहर कहाँ आवेगा? दे माय। तो फाइनली आज हमारी बड़ी यात्री जो बंगाल से आई थी कोलकाता से, वो आज जा रही हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं तीन जन उनको सी ऑफ करने। तो हम लोग मिलाते हैं अपनी बड़ी आपी से। तो आप कहिए क्या कहना चाहती हैं आप, जो आज पूरे सिटी को सन्नाटा आपने कर दिया आज। ये बड़ी आपी, ये अरीफा, ये है आंटी, और ये है सो गई, ए उठो, और ये है मिस्टर चुआ। अभी हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर के पास, कुमरार पास करते हुए भूतनाथ रोड। आज रोड बहुत सन्नाटा मिला, गुलजार बाग आज बिल्कुल सन्नाटा था, बड़े बहुत रश है भूतनाथ के पास। आप ही का कदम मुबारक, बड़ा अच्छा है, बहुत बहुत। तो तहे दिल से मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप आए। ये देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ है। ये हम लोग राजेंद्र नगर ब्रिज के नीचे, हमारा सिटी पटना बहुत बदल चुका है। ये बड़े बड़े अपार्टमेंट, यहाँ पर लैपिनोज भी है और जारा का भी यहीं पे। ये देखिए, ये है कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स, और ये राजेंद्र नगर पुल स्टेशन का, स्टेशन भी हम लोग अपोजिट साइड है, और हम लोग को आगे जो सिग्नल से हम लोग को टर्न लेना पड़ेगा। तो बहुत ही पटना का रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है। पहले हम लोग यहाँ से कट मार लिया करते थे, यहाँ से ही कट मार लिया करते थे, अंदर स्टेशन की तरफ घुस जाते थे, मगर अब ट्रैफिक की वजह से हम लोग को पूरा आगे से सिग्नल से राउंड लेना पड़ता है। ये है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स, 1949 स्थापना इसकी। अब कोई परेशानी नहीं होगी, आगे से आसानी से टर्न हो सकता है। ये टर्निंग के लिए एक स्पेस छोड़ा हुआ है। ये हमारा तिरंगा जो कि अभी पटना मेट्रो का काम भी चल रहा है, अभी बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा पटना प्रगति पर है। उम्मीद करते कि आने वाले 3 सालों में पटना हम लोग को डेवलप दिखेगा बहुत ज्यादा। और ठीक है, चलिए अंदर बैठ बैठ बैठ, ते घबरा मत, ते फ्री में जा रहा है। स्ट्रीट फूड, पटना ट्रैफिक पुलिस, लगेज होने के कारण आज हम लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। इसकी कीमत हम लोग को 50 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाली है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है एनी टाइम। तो पब्लिक अपना लगेज ढोते हुए ले देखे, पटना में सफाई चलता रहता है हमेशा, मेट्रो का काम भी चल रहा है, कुछ अलग बन रहा है पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल। बस बस, वाह 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 वाह, भैया 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 वाह, वो नहीं जाता, बस यहीं पे रुक दो ना, रुक इधर रुक, ये बाबा यहां पे कितना नंबर पे, एक नंबर पे वहां से ना, वहां पे जा सकते ना, है परेशान करेगा, कौन परेशान करेगा, लो चल खाइए, बाकी पार्किंग लगेगा, पार्किंग अच्छा अच्छा मेरा। चलो कहाँ लगा जी आपका पार्किंग? वही देगा जो जो पूछा ना है वही लिए। चलिए, ये इनका सामान गिनना पड़ेगा, पैर पैर, लगेज लगेज नंबर 1 पकड़ो, और लगेज तुम आओ इधर, तुम इधर आओ, सो गई बच्ची, अरे खड़ी हो खड़ी हो, तुम भी ना कुछ खाओ, खाने नहीं खा दिएगा जी, चलो 7 घंटा के बाद करो करो, बोलो बाय बाय पटना, बोलो इधर इधर इधर, बोलो पटना बाय बाय, यू मिस यू। ये देखिए लगेज,
एक दो तीन चार और ये पांच छः सात आठ, ये नौ लगेज। अरे सबसे बड़ा लगेज ये देखिए, भाड़ा भाभी ना भाड़ा दे भाग रही फिर में हम लोग अपना ही है, भाड़ा कहने दिया जी 50 रुपए दीजिए फिर में हम लोग आए ये छोड़ दीजिए में लगता है चार्ज 50 रुपया। चलिए भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद ये तो लग रहा जमात में जा रहा है जमात में जा रहा है। इनका झोला चेक किया जाए, देखो क्या क्या मिलेगा इसमें झोले में। ओ हो और देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है, ये गरम हो रहा है। ये देखिए ना, इसके अंदर भी बहुत सारा है और गरम गरम जा रहा है, लगता है कुछ चाय या कॉफी। तो अभी आप जा रहे, तो फिर अभी आप कब आएंगी वापस? कौन थी 23, 24, 25 कौन था? ये देखिए, ये पूरे फंक्शन में बोर होने वाली लड़की, क्या बोल रहे हो कैमरा में बोलो, क्या ट्रेन कहाँ आएगी? गाड़ी वाला बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ सकती है, 2 पे भी आ सकती है। अच्छा ठीक है, खुली अब देखिए, कंफर्मेशन नहीं मिली मतलब, है ना? बहुत हम लोग कश्मकश में फंसे हुए हैं। और ये सामान, ये सामान देखिए आप, ये सामान देखिए आप। तो आप हज पर जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? कितने तारीख की फ्लाइट है आपकी? आपकी फ्लाइट है 4 तारीख की, तो रमजान का सेकंड ही वीक रहेगा वो। कितने दिन का आपका पैकेज है? सफर 20 दिन का है इंशाल्लाह। अल्लाह आपके सफर को कामयाब बनाए, और जब आप लौटें दोबारा अपने वतन एक नए इंसान के साथ, तुम्हारा पहला ट्रैवल होगा ना फ्लाइट से जी, वो भी विदेश। यस। पासपोर्ट दिखाओ लेके थोड़े घूम रहे हैं, पासपोर्ट दिखाइए। इसका ही पासपोर्ट है बड़ा है, यही पति का पासपोर्ट दिखाओ। शो मी योर पासपोर्ट, शो मी योर पासपोर्ट, बोलो बाबा पास। तो फिर का क्या इरादा है? नमाज रेगुलर रहेगा जी? बिल्कुल, नमाज रोजा तबलीगी जमात वाले लगे जी। मौसी हाल वाला को तो बस तफा क्या तेरा, जिस बात की डर थी वही बात हुई है, एक नंबर बोल करके 2 नंबर, क्योंकि एक नंबर जो यूजुअली जो यूज होता है इस तरफ के लिए होता है ज्यादातर, मगर 2 नंबर ही होता है जो डाउन की अप, वो अप है, यही यही है। ऐप में गलत दिखा रहा था। क्या 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 कोशिश करने का थी, हट गई। ये जमात पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? बंगाल वाला
भीड़ अजिंदर नगर पटना आया मुकामा टू हावड़ा जंक्शन एस टू है यहाँ पर किसमें ए टू मगर ये घन चक्कर है ना जा रहे हैं A2 के पास उनका टिकट देखिए मेरे पैर का हाल इसी पे उसने बैग गिरा दिया वो भी इतनी भारी बैग बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी तक गेट नहीं खुला ट्रेन का लोग खड़े हैं अंदर जाने के लिए माल गाड़ी मजा है इसको बैग खींचने गिर जाए नीचे सब रिकॉर्ड हो रहा है देखिए वीडियो बाद में हो किस तरह सामान लाया गया उनका देखिए 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 आपका बैग एक लात मारा इस बैग को पड़े एक लात B3 पूरा वीडियो बहुत ना इंसाफी हो रहा है इनके बैग के साथ इस्लामपुर से चलकर पटना जंक्शन गया जंक्शन खालिद रांची के रास्ते हटिया इधर इधर थोड़े ही तक इधर फेंक इधर प्लेटफॉर्म इधर फेंक बैग बैग आ रही है कर 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 फुटबॉल अरे गिरा गिरा नंबर 1862 यही A2 है यही है A2 उफ यार इतना चलने के बाद चलो आओ सामान लेकर कहाँ है लो ये लो ये लो आओ चंदो चलिए यू आर वेरी चालाक ब्रो छोड़ के भाग गए खालिद नीचे गिरा दी और से देखिए इस चेहरे को तो फाइनली आपका सीट नंबर है किधर है सीट नंबर यहाँ नहीं है 34, 35, 36 काश किताब लेके आ रही थी ये पढ़ने के काम आता और क्या क्या पढ़ाई सीट नंबर है आपका 36, 35 कौन सी हमको करुण अर्जुन चाहिए मेरे करुण अर्जुन आएंगे पैसा मिल रहा है ये क्या दिस इज मनी ये करेंसी चेंज कर रही हैं मेरा लगा करेंसी बढ़ा रही हैं मेरे भी यही लग रहा है थोड़ी है पॉकेट में हुआ है समझे और दुआ दीजिए और दुआ बदतमीज लग कौन है कौन है गिलास दीजिए ना पानी का बोतल कहाँ रख दिया मैं पैर पे सुनिए अब हम लोग निकलते हैं ठीक है सुनिए अब हम लोग निकलते हैं ऐसी बोगी है पकड़ेगा ठीक है रीफा दुआ में याद रखना नौशरे का सलाम कहिएगा और आपको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद आप उम्मीद है कि आप जब आए तो एक नए अवतार में आए नए रूप में आए दुआ में याद रखिएगा ठीक है आंटी मौसी
यहाँ से आपको बाहर कहाँ आवेगा? दे माई दे बोले निकलो निकलो, हो गया काम, हो गया निकलो निकले तो ट्रेन ट्रेन पे हम लोगों ने उनको बैठा दिया है अच्छे से, इंशाल्लाह वो कल सुबह जल्द से जल्द और अच्छे से पहुंच जाए, और फिर अभी हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, काम हो गया तो बोलिए निकलो, सब्सक्राइब करें, बोले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।